प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं सर्किल के बेसिक के बारे में। सर्किल के कुछ अन्य प्रॉब्लम है जो इस वीडियोस में हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में श्योर आएंगे। तो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 100% आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियोज ये, क्योंकि जितने भी थ्योरम पढ़ेंगे वहां भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं P = 2πr एंड A = πr². अब सवाल बनता कैसे है, मेन ध्यान मुझे ये देना है। एग्जाम्पल क्या करेगा, P को हिंट मारेगा और एरिया क्वेश्चन मार्क मारेगा। P हिंट देगा तो A पूछेगा, A हिंट देगा क्या पूछेगा, P पूछेगा। क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट आपको R और डायमीटर दे दिया तो आप तो सीधे उड़ा दोगे सवाल। अगर आपको सीधे आर और डायमीटर दे देंगे तो सवाल को आप उड़ा दोगे। तो सवाल में जो दे रहा है, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, वो पी और ए देता है। जैसे मैंने कहा, यदि इस सर्किल का, जो सर्किल आपके मैप में दिख रहा है, इसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो बताओ इसके चारों ओर जो सर्किल जैसा शेप है, ये आपका प्लॉट है। ये क्या है, प्लॉट है। इसके चारों ओर मैं कह रहा हूं कि मुझे कांटेदार तार लगाना है भैया, ताकि इस प्लॉट के अंदर कोई भी दूसरा व्यक्ति एंट्री ना ले पाए। ये देखिए, सब कांटेदार तार लगा दिया मैंने, ये तार लग गया, ये पूरे ऐसे ऐसे, ये पूरा कांटेदार तार लग गया, ब्लू कलर दिख रहा है पूरा, ये पूरा हमने कांटेदार तार लगा दिया। हमने कहा कांटेदार तार लगाना है, तो बताओ कितना बजट लगेगा यदि आपको हम रेट दे दें, तार का रेट कुछ भी दे देंगे। हमने कहा जो तार लगा रहे हैं उसका रेट है 150 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रेट है 150 पर सेंटीमीटर, मतलब एक सेंटीमीटर का जो रेट होगा कितना होगा, 150 रुपीज होगा। बहुत छोटा सा प्लाट है, मीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा, डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता मीटर है कि सेंटीमीटर है, आपको समझने से मतलब है। यहां पर हमने एरिया दिया है, आपको निकालना क्या है, ये क्या है कांटेदार तार, किसको कवर कर रहा है, ये पेरीमीटर को कि एरिया को, पेरीमीटर को, सर्कमफेरेंस को। इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस, आपको सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर या परिमाप कैलकुलेट करना है। और पी इज इक्वल टू आप क्या होता है, 2πr होता है। बच्चों क्या आपके पास r है, नहीं है, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r, आपको r निकालना पड़ेगा। r वहां से निकलेगा जो हिंट आपको दी गई होगी। हिंट हमने कौन सी दी थी, a इज इक्वल टू 154, इसका एरिया दिया था, क्या दिया था, पूरा एरिया, एरिया कितना दिया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया जो दिया जाए उसका लगा दीजिए सीधे सीधे फार्मूला, उसका सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, पाई की वैल्यू 22/7, आर पता नहीं मुझे निकालना है 154। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकाले, कैसे सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से पता है, इधर देख लीजिए 22 और ये 7 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, थोड़ा और आओगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7, क्योंकि ये 7 घर चला जाएगा, हो जाएगा। और जब r निकालोगे बच्चों तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, r का मान 7 आ गया है। अब आपको जो सर्कमफेरेंस निकालनी है वो इजीली निकल आएगी, क्यों, इसमें रख दीजिए फार्मूले में, क्या फार्मूला है, फार्मूला है P इक्वल टू 2πr, 2 का 2 हो गया, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7, 7 कैंसिल, ये 44 सेंटीमीटर, इतना वायर लगेगा, 44 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, छोटा सा प्लाट होगा, ठीक है, बहुत कॉस्टली वायर होगा, सोने के वायर से मान लो ढका रहे होंगे हम। तो रेट क्या है, 150 पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर,
कि कॉस्टिंग 150 है तो इतना सेंटीमीटर जो है तो 44 × 150 इतने रुपए आप लेके जाओ और वायर लेके चले आओ मार्केट से। तो ये दोस्तों आगे आपका बजट। तो सवालों को प्रैक्टिकली देखिए, लाइफ में उतारिए तो सवाल समझ में आ जाएंगे, बहुत टफ नहीं है ये, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा लग जाएंगे। इसको जल्दी से आप नोट करिए, फिर आगे हम बढ़े बच्चों। सर्किल में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन डेली लाइफ का लेते हैं। बहुत सवाल आता है पेपर में कि एक गाड़ी के पहिए का डायमीटर होगा या रेडियस होगी या एरिया दिया जाएगा, तीन चीजें दे सकते हैं। हिंट में आपको हम आसान देना है तो आर देंगे, टफ देना है तो डायमीटर देंगे और टफ देना है तो एरिया देंगे, लेकिन सबके लगाने के पैटर्न एक ही होगा। और फिर ये सब देने के बाद तो एक चीज इसमें से देंगे, जैसे मैं अगर कह दूं डायमीटर इस साइकिल के पहिए, आप जिस साइकिल से चल रहे हैं इस साइकिल के पहिए का डायमीटर मतलब व्यास, डायमीटर मतलब व्यास 56 है, तो बताओ 1000 राउंड चलने में यह साइकिल कितनी दूरी तय करेगी 1000 राउंड में, मतलब वो साइकिल का पहिया 1000 राउंड किया कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर डी देंगे तो बिना आर के सवाल नहीं लगेगा। तो बच्चों अगर डी है तो आर आप निकाल सकते हैं, आर होगा 20 हो जाएगा। और साइकिल के पहिए में एक चक्कर में चली गई दूरी जो होती है वो उसके सर्कमफेरेंस अर्थात पेरीमीटर के इक्वल होती है, एक चक्कर की दूरी। फर्स्ट आप एक राउंड में चली गई दूरी निकाल लीजिए, जैसे पहिया है इसको अगर चलाएं तो स्पॉट छोड़कर चला जाएगा, एक चक्कर में कितना चलेगा डिस्टेंस को नाप लीजिए, वही आपका पेरीमीटर होगा। मान लो पहिया को ऐसा चला दें तो स्पॉट छोड़ता चला जाएगा, ये इससे हम नाप लेंगे कि एक राउंड हो गया। तो एक राउंड में चली गई दूरी इसकी होती है पी, दैट इज के पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस के बराबर होती है, सी आप कह सकते हैं, पी कह सकते हैं, ये होगा 2πr हो जाएगा। तो एक चक्कर में दूरी होगी बेटा 2 का 2 पाई की वैल्यू दे दी जाएगी 22/7 और r आपका है 28, कैंसिल कर लीजिए 7 × 4 = 28 हो गया, 4 × 2 = 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 × 2 = 176, ये आ जाएगा इसमें सेंटी। तो बच्चों एक राउंड में चली गई दूरी आ गई 176 सेंटीमीटर, ये तो एक राउंड पहिया घुमा होगा साइकिल का हो। अब पहिया कोई कह सकते हैं, रोलर का कह सकते हैं, साइकिल का कह सकते हैं, गाड़ी का कह सकते हैं, सवाल की थीम यही होगी, डेटा बदलेगा नाम बदलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें हम कह देंगे 1000 राउंड, तो एक सोचिए एक राउंड में इतना है तो 1000 राउंड में ज्यादा होगा आपको, तो ये हो जाएगा 176 × 1000, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बच्चों आ जाएगा, देख लीजिए आंसर 176 × 1000 = 2030 और ये आंसर आएगा सेंटीमीटर। अब इसको आप मीटर में बनाएं, अगर मीटर में ऑप्शन दिया गया है वो किलोमीटर में पूछे तो क्या बनाइए, किलोमीटर में। तो भैया अगर सेंटीमीटर में डेटा दिया गया है तो मीटर में बनाने के लिए आप कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से। अगर सेंटीमीटर में डेटा है तो आप मीटर में आंसर चाह रहे हैं तो 100 से डिवाइड मारेंगे तो ये हो जाएगा 176 × 0000/100। अब ये आंसर हो गया बच्चों मीटर में 1010 पेंसिल। हाँ फिर अगर वो किलोमीटर में आंसर चाह रहा है तो इसको फिर से एक बार डिवाइड मारेंगे हम, अगला डिवाइड हमारा फिर जाएगा किससे जाएगा, 1000 से जाएगा। तो वहां स्पेस मेरे पास थोड़ा, मैं स्पेस बना लूं बच्चों एक मिनट, स्पेस पर तैयार कर लें हम, ये लीजिए स्पेस बन गया। अगर हमें आंसर देना है किलोमीटर में, चलिए नेक्स्ट आंसर हम देने जा रहे हैं किलोमीटर में, तो ये आया था मेरा उधर 1760 किलोमीटर के लिए कितने डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 1076 किलोमीटर, लगभग 1.5 या 1.75 किलोमीटर 1.76 किलोमीटर जाएगा 1000। सोचिए मतलब 176 किलोमीटर जाने में पहिया 1000 राउंड घूमेगा। अब एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, राउंड 500 कर देगा, वहां रेडियस कुछ और कर देगा, डायमीटर कुछ और कर देगा, और सवाल में कोई बदलाव नहीं करेगा। हाँ
सवाल को और टफ करना है तो हम आर नहीं देंगे और डी भी नहीं देंगे, इस बार देंगे हम आपको क्या एरिया देंगे, एरिया कुछ भी नहीं देंगे। मान लो हमने एरिया बच्चों दे दिया 154, तो एरिया का लगाइए फार्मूला पाई आर स्क्वायर और उससे आपका निकल आएगा आर, क्या निकल आएगा आर। आर निकालने के बाद सवाल को पूरा आप सॉल्व कर सकते हो, ये इसका दूसरा पैटर्न हो सकता है। सबसे इजी पैटर्न में डायरेक्ट आर दूं, सेकंड थोड़ा टफ करना डी दिया और टफ करना तो हमने एरिया दिया, तो ये है लगाने का तरीका। और इसी सवाल का उल्टा चल लीजिए, उल्टा क्या होगा सेम इसको नीचे से पढ़ना शुरू करिए। इस बार सवाल क्या करेगा, प्रॉब्लम 1000 चक्कर में चली गई दूरी बताएगा, 1000 चक्कर में चली गई दूरी बताएगा। तो पहले एक चक्कर की दूरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अभी यहां आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो एक चक्कर की दूरी आ जाएगी। और एक चक्कर की दूरी किसके बराबर होगी, पेरीमीटर के बराबर होगी, और जब पेरीमीटर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आर, और जब आर आ जाएगा तो क्या निकल आएगा एरिया निकल आएगा। फिर चाहे निकाले तब उल्टा पूछेगा सवाल कि एरिया क्या होगा, अब क्या पूछेगा कि यदि 1000 चक्कर में साइकिल द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो बताएं इस पहिए का एरिया क्या होगा, इस पहिए का एरिया क्या होगा, या इसकी रंगाई में क्या खर्च आएगा, सवाल ऐसे पूछेगा। बच्चों कुछ नहीं करना है, रिवर्स मार दीजिए, ये दूरी 1000 चक्कर की है तो एक चक्कर की दूरी निकालिए, पहले क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, उससे पेरीमीटर आ जाएगा, क्यों एक चक्कर में चली गई दूरी पेरीमीटर होती है। जब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आर निकल आएगा, और जब आर निकल आएगा तो भैया रख दो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, निकल आएगा इस पहिए का एरिया। अब पुताई करानी तो पुताई का रेट देगा, वो पुताई का रेट देगा, रेट से कर दो मल्टीप्लाई, तो इस पे हो जाएगी पुताई आपकी, हो जाएगी कि पहिया चाहे रंगीन चलाओ चाहे चलाओ सादा। ये है कॉन्सेप्ट, इस सवाल को आप नोट कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि वैल्यूम या एरिया पढ़ने के लिए सबसे पहला बेस होता है हमारा सर्किल, सेकेंड बेस पॉइंट तैयार होता है हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल से, आयत से। अगर ये दो तीन टॉपिक क्लियर नहीं तो आप भूल जाइए कि आपको एरिया मेजरेशन जैसे टॉपिक समझ में आएंगे। क्लास 9th और 10th में लास्ट के चैप्टर देखोगे जहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, उनके लिए दोनों टॉपिक वहां पर आपको बहुत अच्छे से दिए गए बेस के रूप में, तो ये एक प्रकार का बेसिस है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर क्लास में। दोनों में अगर हम सिमिलर करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ हमारी अच्छी हो सकती है, कैसे पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। आयत में इसको बोलते हैं लेंथ और इसको हम कहते हैं ब्रेथ, कहने का मतलब आमने सामने की इन फ्रंट की साइडें इक्वल होंगी, ये एल है तो ये भी एल होगी और इसके इक्वल ये होगी ये बी होगी, इतना क्लियर होगा। जबकि स्क्वायर में सारी साइडें इक्वल होती है और उन्हें ए के नाम से संबोधित करते हैं, ए फॉर आर्म्स, ए फॉर आर्म्स, दोनों साथ चलेगा। इसका और इसका जो प्रत्येक आपका एंगल होगा, ये एंगल ये 90 डिग्री होगा, कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, मींस जो चारों कॉर्नर होंगे वो 90 डिग्री पे फ्रेम करेंगे, ये भी 90 होगा ये भी 90 होगा ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। कुछ फीचर बता रहे हैं पेपर के लायक है, इंपॉर्टेंट है, अगला फीचर बहुत अच्छा फीचर है ध्यान दीजिएगा। इनको बेटा हम बोलते हैं डायगोनल, क्या बोलते हैं डायगोनल, ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ये आगे तक काम में आएंगे, ठीक है। डायगोनल क्या होंगे इक्वल होंगे। यहां भी आप ध्यान दीजिएगा आपकी ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, क्लियर। सबसे बड़ी बात है जो एग्जामिनर पूछता है प्रॉपर्टीज के रूप में, ध्यान देना, कहता है बताओ कौन सा फैक्ट इनके रिकॉर्डिंग सही है कौन सा गलत है। बड़ा अच्छा प्रश्न है और पेपर में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है, ये चार फैक्ट देगा, फैक्ट ए, फैक्ट बी, फैक्ट सी एंड फैक्ट डी। पहला बोलेगा कि स्क्वायर
में इन द स्क्वायर ऑल द कॉर्नर एंगल विल बी 90 डिग्री, मतलब दो साइडें 90 डिग्री पे मिलती हैं, तो ये क्या है? सच है, फैक्ट है, सही है। रेक्टेंगल में भी 90 पे मिलती हैं, सच है। अगला पॉइंट देगा कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब स्क्वायर के डायगोनल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और तीसरा पॉइंट देगा रेक्टेंगल के भी डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। और चौथा पॉइंट देगा, या एक दो पॉइंट और बढ़ाएगा, अच्छा पॉइंट बनाएगा कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। और फिर इसका भी देगा कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो काट रहे हैं, ये जो एंगल बीच में बन रहा है बच्चों, ये 90 डिग्री होगा। उसका ये कहने का मतलब है इसमें 90 होगा, तो कहता है इसमें भी 90 होगा। यही चीज आपको बतानी है कि ये इनकी बात सही है कि गलत है, कि ये 90 होगा और ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। इसी फैक्ट में फंसा देता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, दिस फैक्ट। और अगला फैक्ट, जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते ये भी 90 पे काटते हैं। इसी पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे काफी गड़बड़ कर गए थे। और सच ये है, इसके डायगोनल तो काटते हैं लेकिन इसके डायगोनल 90 पे नहीं काटते। क्यों? आपको फिगर के माध्यम से समझाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा एक रेक्टेंगल है, अब आप फिगर देख खुद आइडिया लगा सकते हैं। एक डायगोनल ये गया, एक ये गया, क्या आपको कहीं से लग रहा है कि 90 पे कट रहा है? ये 90 से ओवर लग रहा है, 90 से ज्यादा साफ साफ लग रहा है, 120 से ज्यादा चला गया है। तो जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पे कट नहीं करते हैं, जबकि स्क्वायर आप बनाओगे इसके जो डायगोनल होंगे ये कितने पे कट मारेंगे? 90 पे। यह फैक्ट के रूप में क्वेश्चन आया था, बेसिक में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन को अधिकतर बच्चों ने गलत किया, आपको गलत नहीं करना है, बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। आगे अब आगे बात करते हैं इनके, ये मेरा रेक्टेंगल और ये मेरा छोटा सा स्क्वायर, समझ आ रहा होगा। पेरीमीटर की बात करें P, अगर ये L है और ये B है और इसकी साइडें A हैं, इसकी साइडें क्या बच्चों? A हैं, सभी साइडें A हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले P फॉर पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर? लोग रटते हैं, रट के काम नहीं चलेगा, समझ लीजिए, सीख लीजिए। द सम ऑफ द ऑल साइड इज कॉल्ड द पेरीमीटर, मींस सभी भुजाओं का आपसी योगफल ही परिमाप है। अब भुजाएं चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, मींस साइड चाहे थ्री हो, चाहे फोर हो, चाहे फाइव हो, द सम ऑफ द ऑल साइड इज कॉल्ड द पेरीमीटर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? कभी कभी ऐसा सवाल देगा कि एक साइड जोड़नी ही नहीं आपको, तब आप अब रटा रटा है आप, जैसे बच्चे रट लेते हैं P इक्वल टू 2L प्लस D, 90% बच्चा ये फार्मूला बताएगा पेरीमीटर का। और यहां उसने रट लिया पेरीमीटर P इक्वल टू 4A, और सवाल को हमने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। कैसे ट्विस्ट किया? कि मेरा एक प्लॉट है और उस प्लॉट के एक ओर हमने बंद कर दिया, तीन ओर कांटेदार तार लगा दिया, तीन ओर क्या कर दिया? कांटेदार तार लगा दिया, एक ओर से ओपन है। तो बताओ उसके तीन ओर कांटेदार तार लगाने का बजट क्या आएगा? तो बच्चा क्या करेगा? वो लगा देगा P का फॉर्मूला, और सवाल वो लगेगा है नहीं, तो यहां बेसिक काम करेगा। बेसिक क्या कहता है? द सम ऑफ द ऑल साइड, तो P निकालना है, तो आप कौन कौन साइड जोड़ोगे? ये साइड जोड़ेंगे, ये साइड जोड़ेंगे और ये साइड, ऊपर वाली L, तो ये भी क्या होगी? L। ये वाली B है बच्चों, तो ये भी क्या होगी? B। तो नया फार्मूला बन जाएगा। जब पेरीमीटर निकालोगे, मान लो छोटा एग्जांपल ले ले, ये 10 मीटर है और ये वाली 20 मीटर है, ये 10 है ये 20 है, तो पेरीमीटर क्या बनेगा? ये साइड जोड़ो 10 प्लस 20 प्लस क्या हो जाएगा? 10। दिस इज द पेरी। अगर आप रट्टा लेके चले तो गलत कर दोगे। क्यों? इस साइड को नहीं जोड़ेंगे, ये साइड तो ओपन है ना, एक तरफ से आप ओपन रखोगे ना जाने के लिए। घर है, आप लोग अक्सर अपने घर के सामने बाउंड्री बना देते हो,
झाड़ियां उगा देते हो, कांटेदार तार बांध देते हो, क्या पूरे में बांध देते हो, एक तरफ खुला रहता है ना आने जाने के लिए, तो फिर हमने भी तरफ खोल दिया। तो ये फॉर्मूला आप हर समय नहीं लगाएंगे, बेस्ट फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल आउटर साइड। दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला फॉर द एनी शेप ऑफ द पेरीमीटर। कोई भी पेरीमीटर निकालना हो, अब लीजिए हमने शेप बदल दिया, इसका निकालना है तो हो जाएगा। कितनी साइडें यहां दिख रही हैं, चार हैं, तो P इज इक्वल टू AAA कितना हो गया, 4A। आपको रटना नहीं पड़ेगा, हमने ट्रायंगल वाला शेप दे दिया भैया, लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, हमने कहा ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, पेरिमीटर निकालो, निकल आएगा। कैसे निकलेगा, 3 + 4 + 5 निकल आएगा। और मान लो यही इक्विलेटरल होता, समबाहु त्रिभुज होता, समबाहु मीन्स इक्विलेटरल मीन्स जिसकी सभी साइडें आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ये ए होता, तो ए होता, ये ए होता, तो पेरिमीटर P इज इक्वल टू क्या हो जाता, 3 हो जाता। इसको बच्चा रटता है, रटिए नहीं, क्या करिए समझिए, मैथ रटके नहीं आएगी बच्चों, मैथ समझने से आएगी, रटना है तो रटिए ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी रटने के लिए बहुत है, वो रटिए, कौन नदी कहां से निकल रही है वो रटिए, कहां क्या पैदा हो रहा है उसको रटिए, मैथ समझने की चीज है। हाँ, रट सकते हैं तो कुछ फॉर्मूले रटिए, टेबल रटिए, कुछ स्क्वायर रट लीजिए, मैथ में कुछ शॉर्टकट्स रट लीजिए बस, बाकी समझ आप पैदा करिए कैसे समझा जाता है। तो भी ये छोटे से फॉर्मूले बताए थे, आगे देखिए जरा, हम बात कर रहे थे इसके अन्य फार्मूलों की, तो अन्य फार्मूलों की बात करें, वैसे पी आप इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, चलिए आइए अन्य फार्मूलों की अगर हम बात करें तो एरिया का फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, बहुत इजी है, इसी से बना देंगे। एरिया ए इज इक्वल टू होता एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया बनाओ, इसका एरिया बच्चों बनाएंगे तो इसकी लेंथ क्या है, ए है, ब्रेथ भी क्या है, ए है, तो एल इंटू बी से इसका फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज ए इंटू ए, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, या इसी को बोलते साइड इंटू साइड, हो गया। अब नेक्स्ट, इसका अगर हमें डायगोनल निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, डायगोनल डी, इसका हमें डायगोनल निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, ये डी निकालेंगे जब 90 डिग्री होगा तो एक राइट ट्रायंगल पढ़ाया गया होगा कि ये कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, डी, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे हैं, इस बड़ी भुजा का स्क्वायर जो लॉन्गेस्ट होगी हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री है, अगर आपने राइट ट्रायंगल बच्चों पढ़ा होगा तो पढ़ाया जाता है आपको, क्या पढ़ाया जाता है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज, वही तो मैंने लिखा है, अलग क्या मैंने लिख दिया है, इसी फॉर्मेट से आप इसका निकाल सकते हो, जब इसका डी निकालोगे तो क्या बनेगा बच्चों, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ए जुड़ जाएगा तो क्या हो गया 2a स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू बनेगा फॉर्मूला, ए बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर एंड ए बाहर आ जाएगा ए रूट, तो इसी को बच्चा रट लेता है कि स्क्वायर का डायगोनल होगा ए रूट 2, तो इतना आप पहले नोट करें फिर आगे हम बात करें। बच्चों बात करते हैं कि इसका व्यवहारिक सवाल कैसा बनेगा, बहुत सिंपल है, हमने दे दिया कि एक स्क्वायर शेप है वर्गाकार कोई शेप है, इसका पेरीमीटर हमने बोल दिया कि भाई 40 है, कितना है 40 है, फाइंड इट्स एरिया, निकल आएगा जो दिया जाए उसका फॉर्मूला रखिए, आपको दिया क्या गया है P, कैसा सेफ है स्क्वायर, स्क्वायर का P आपके हिसाब से क्या होता है 4a होता है, तो 4 इज इक्वल टू
40 हो गया, सो a इज इक्वल टू 40 अपॉन 4, दैट इज कितना आया 10, आगे जो भी लगाना हो मीटर सेंटीमीटर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं हम, पहला सवाल पूछा करेंगे फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, सो एरिया का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, a का मान कितना आया 10, 10 स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। अब हम पूछ सकते हैं कि वो बता दो भाई क्या डायगोनल, क्या बताइए डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है, a रूट टू, क्या पढ़ा आपने a रूट टू, a कितना था आपका 10, तो क्या हो गया 10 रूट बन गया, हो गया। इसी तरह रेक्टेंगल में दे सकते हैं, l देंगे और क्या देंगे b देंगे, आपको लगाना पड़ेगा। इसी सवाल को मैं पलट सकता हूं, अभी मैं मत नोट करो, मैं वीडियो डायरेक्ट देख लीजिए बस, क्यों परेशान हो रहे, दूसरा तरीका देने का, तरीका देने कितने तरीके हो सकते हैं, दूसरा इस बार मैं आपको ए दे दूं, डी दूंगा भाई, देन डी 5 रूट 2 है, कितना है डी, कितना डी फा डायगोनल, डायगोनल मतलब ये 5 रूट 2 है, क्या निकालना है ए निकालना है पी निकालना है, निकल आएगा। तो डी का रखिए फॉर्मूला क्या पढ़े आप, बी इज इक्वल टू ए रूट टू, ए रूट टू का मान कितना है 5 रूट टू, रूट टू रूट टू कैंसिल, ए इज इक्वल टू, जब ए 5 आ गया तो आप कुछ भी निकालो, क्या चाहिए आपको ए चाहिए, A क्या होता है ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 25, क्या चाहिए पी चाहिए, क्या होता है 4a हो जाएगा, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऐसे सवाल आएंगे आप, ये तो बिल्कुल सिंपल है, अभी डेटा टफ कर देंगे, ये तो अभी समझाने के पर्पस से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब बढ़िया सवाल कैसे बनेगा वो देखिए, ये तो अभी बेसिक में क्लियर कर रहा था, जो आपके एग्जाम में आता है वो देखिए कैसा आता सवाल, ध्यान दीजिए इसको हटाते हैं। अब सवाल इसका बेहतरीन सवाल ऐसे आएगा, एक स्क्वायर शेप में आपकी बुक का है, चार बकरियां चार कॉर्नर पर बांधी गई हैं, एक बकरी आपकी यहां बांधी गई है, एक यहां बांधी गई है, एक यहां बांधी गई, एक यहां बांधी गई, क्लियर। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक त्रिज्यखंड के फार्मूले से, एक डायरेक्ट बिना उसके, दोनों तरीके से बांधी गई चार बकरियां, ये बकरी ऐसे बांधी गई है कि इस बकरी के साथ फंसने न पाए और घास को चर ले, और इसमें हरी घास उगी हुई है, इसमें ये कौन सी घास उगी हुई बच्चों, हरी घास दिख रही है, तो बकरी तो दौड़ दौड़ के खाएगी नहीं खाएगी, अगर हरी घास है तो बकरी तो खाएगी ना। एक बकरी यहां ऐसे बांधना है कि बस कहां तक जाए, वो हाफ तक जाए, नहीं तो फंस जाएगी, तो घास कैसे चलेगी, वो घास देखिए कैसे चलेगी, इसको हम दूसरे कलर से कर रहे हैं, घास ऐसे जाएगी ऐसे चल के चली आएगी, जाएगी यहां वाली कैसे जाएगी, रस्सी है ये रस्सी लगी हुई ऐसे जाएगी बेचारी ये भी, और इसी से सटती हुई ये ऐसे चली जाएगी, चलेगी बराबर, और इसी तरह इधर वाली भैया ऐसे चलेगी और इधर वाली। तो सवाल क्या पूछेगा, वो एरिया फाइंड आउट करो जो किसी भी बकरी द्वारा किसी भी गोट द्वारा चरा नहीं गया, नॉट ग्रेस्ट, तो कौन सा भाग बच गया, कौन सा भाग बच गया जो टच नहीं हुआ, बीच वाला, ये पार्ट बिल्कुल टच नहीं होगा, होगा ग्रीन पार्ट टच होगा नहीं होगा, ये पार्ट देख लीजिए, ये पार्ट इस पार्ट का एरिया पूछेगा, ये कैसे आएगा ध्यान देना। हाँ हम इस स्क्वायर से पर जो खेत है इसके बारे में कुछ फोर कॉस्टिंग कर देंगे, हमने कहा इस खेत की जो डायमीटर है ये लेंथ है सॉरी ये 14 मीटर है, कितने मीटर है 14 मीटर है, अरे होगा ना खेत एरिया होगा, तो ये भी बच्चों कितना होगा 14 और ये भी कितना होगा, और कुछ नहीं लेंगे, अगर ये 14 मीटर है तो गेस करके बताओ बच्चों उस बकरी की रस्सी की लंबाई क्या होगी,
7, वेरी गुड, होगी। तो ये चार, एक बकरी इधर, एक बकरी इधर, एक बकरी इधर, एक बकरी इधर, तो कैसे निकालोगे? पूरे का निकाल लो एरिया, स्क्वायर का एरिया। पूरा सेप कैसा है? स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों? क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए क्या होगी? 14 स्क्वायर। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? 1986 हो गया। आगे मीटर स्क्वायर लगा दीजिए, कितना एरिया टोटल है उसके पास। अब बात करते चरा गया। देखो ये अगर हम सर्किल एक ले ले और सर्किल को ऐसे काट दे तो जो चार खंड निकलते हैं आपके कैसे होते हैं? तो हैं 1 piece, 2 piece, 3 piece and 4 piece है बेटा। तो इन चारों को मिला के सर्किल बन जाएगा। इस सर्किल का इसकी लेंथ कितनी होगी ये बताओ? केवल 7। ये कितनी होगी? ये भी कितनी होगी? 7 हो जाएगी। तो कहने का मतलब इस सर्किल का एरिया निकाल ले, वही चरा गया है, स्क्वायर के एरिया से क्या करते हैं? माइनस। तो ये आंसर निकल आएगा, आ जाएगा। सर्किल के एरिया अभी मैंने पढ़ाया आपको क्या होता है? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू पाई का मान 22 अपॉन 7 आर का मान 7 इंटू 7 7 कैंसिल 154 मीटर। क्लियर? इतना एरिया वो बकरी चर गई, बचा कितना? इससे क्या करेंगे आप? माइनस। तो सो रिजल्ट विल बी 196 माइनस 154। अब जो भी आंसर आ जाए, आ जाएगा, ये तो कर लेंगे। तो कौन से क्लियर हुआ? अब ये बताओ क्या बिना सर्किल स्क्वायर पढ़े सवाल आपका लगता है? ये नहीं लगता, इसीलिए जरूरी था मुझे पढ़ाना सर्किल और स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपके नाइन्थ क्लास का है, ये टेंथ में भी है और नाइन्थ में भी है, और ये उससे ज्यादा तो कंपटीशन में है। ये सवाल जितने भी बड़े परीक्षा अच्छी अच्छी होती हैं उस सवाल को पूछा जाता है। कभी कभी एक बकरी, कभी कभी दो बकरी बांधी। अब सवाल को हम चेंज कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं, कोई टफ नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। देख लीजिए अब सवाल को कैसे चेंज करने जा रहे हैं। लीजिए चेंज हो गया। फिर हमने कहा भैया ऐसे, अभी नहीं है फिगर मेरा सही नहीं है भाई, ये लीजिए ऐसे। अगेन स्क्वायर सेफ है। आपकी जो बकरी बांधी गई है यहां सेंटर पे बांधी गई है, लास्ट टाइम कॉर्नर थी, लास्ट टाइम कॉर्नर है, और ऐसा चले कि इधर के हिस्से में ना चली जाए, तो ये ग्रेजिंग कैसे चली? कैसे? ऐसे जाएगी। ओ थोड़ा सा कम अच्छा आया, जाएगी ऐसे ही। और ये कैसे जाएगी? जाएगी। अब देखिए आपकी इन दोनों सेब को मिला दो क्या बन जाएगा? बनेगा एक। तो उसका निकाल के इसका माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक नई चीज आपको सीखनी पड़ेगी जो नाइन्थ क्लास में है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या पढ़ना है? एरिया ऑफ सेक्टर। सो डाल ये न्यू टॉपिक, एरिया ऑफ सेक्टर, जिसको बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर लोगों को समझो, पहले ये सेंटर हुआ, मिला दीजिए, ये देख लीजिए। जो आप एक पीस निकाल लेते हैं, निकाल लिया पीस, इससे सेक्टर एक सेगमेंट छोटा सा, इसी को त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड। और इस त्रिज्य खंड में इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। और ये हमारी होती है रेडियस बच्चों, और ये होता है क्या? आर। क्या होते हैं? ठीक, चाप। हिंदी में क्या बोलते हैं? चाप, यार बोलते हैं। इस त्रिज्यखंड का एरिया, इस केवल इतने खंड का एरिया कैसे निकलेगा? ए इज इक्वल टू होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आर का मान दिया जाएगा, थीटा का मान दिया जाएगा, आपको इस त्रिज्यखंड का एरिया निकल आएगा। वैल्यू पुट अप करिए। अब मान लो ये थीटा देते हैं हम 60 डिग्री, आर दे दे 7, तो आंसर लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, हो गया क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू पाई का 22 अपॉन 7, आर का 7 इंटू 7, थीटा का मान 60 डिग्री एन अपॉन 360। सॉल्व कर लेंगे, ये 6 टाइम 7 7 कैंसिल 22 इंटू 7 अपॉन 6, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 22 आएगा। कितना आएगा बेटा? 22 20
तो है, दिमाग खोल के बैठो क्लास में बेटा, दो मिनट खराब कर दिया तुमने, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर, इसके अच्छे अच्छे सवालों के बारे में। अब उसी सवाल का आप दूसरा तरीका देख लीजिए, कैसे लगा सकते थे, जो मैंने भी आपको बताया था ये वाला, इसको आप एरिया ऑफ सेक्टर्स लगा सकते थे। जो बकरी ऐसे चल रही थी, कितने डिग्री एंगल बनाई थी, 90 बनाई थी, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि स्क्वायर का एंगल यहां कितना होता है 90 डिग्री। इस रस्सी की लंबाई कितनी थी, 7। ये किसका काम करती, आर का। रस्सी की लंबाई कितनी थी, 7, अरे थी ना वहां पर। तो अब इसका एरिया निकाल दो, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई का मान 22/1 वही आ जाएगा। तो एक खंड का एरिया आ गया, उठा के 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो चारों खंडों का एरिया निकला है। तो कभी अगर चार पीसेस ना हो, दो पीसेस ना हो, सिंगल पीस हो, तो कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, ठीक है। और एक बड़ा ही बेहतरीन फार्मूला होता है इसका, और नोट कर लो, कोण बराबर, हिंदी बोलते कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये भी काम में कभी आ सकता है, ये रिलेशन होता है, कोण मींस एंगल, थीटा इज इक्वल टू चाप, चाप को कहीं कहीं एल से लिखते हैं, अपॉन रेडियस, ये एल अपॉन आर, कोण इज इक्वल टू चाप एल अपॉन आर। तो एक ये अच्छा खासा वीडियो हो गया बच्चों, जिसमें मैंने स्क्वायर रेक्टेंगल का तो खैर कम कॉन्सेप्ट लिया है, सर्किल, तीनों का मिक्स फॉर्मेट प्लस त्रिज्यखंड, चार टॉपिक का बेसिक क्लियर किया है। अगले वीडियो में इसके अच्छे अच्छे एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो रहा है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि दूर दराज बैठा हुआ बच्चा घर पर कहीं ना कहीं स्टडी कर सके। जो बोर्ड देने जा रहा है वो 9th का हो या 10th का हो, दोनों के लिए ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। या कोई प्रतियोगी छात्र, उसको भी आप इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके लिए पूरा बेसिक का काम करेगा। तो यूट्यूब पे टीम सुपर 33 बाई 37 सर, आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।